किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी है, यहाँ उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम्सवीर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री से ही रहेगा, जिसका नाम है एसिड बेस इंसाल्ट। और आपको पता है, जो बच्चे शुरू से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि केमिस्ट्री के ऊपर तीसरा वीडियो होगा, तीसरी क्लास होगी। इससे पहले जो दो क्लासेस हमने केमिस्ट्री की डाली हैं उसके अंदर भी हमने एसिड बेस और साल्ट के टॉपिक का ही जिक्र किया है। तो आई होप कि वो दो क्लासें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वो एसिड बेस और साल्ट के ऊपर ही हमने शूट करी थी, हमने उनको रिकॉर्ड किया था, और उसके अंदर हमने एसिड बेस और साल्ट का ही जिक्र किया था। सबसे पहली क्लास के अंदर हमने कुछ बेसिक सी डिफरेंस क्रिएट करी थी एसिड और बेस के अंदर, क्योंकि हम पहले एसिड और बेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सॉल्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एसिड और बेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहली क्लास के अंदर हमने कुछ बेसिक से डिफरेंस जो है वो क्रिएट किए थे। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एसिड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एसिड जो है मेनली दो टाइप के होते हैं सर। एक वो एसिड होते हैं जिसको कहा जाता है, जिनको कहा जाता है ऑक्सी एसिड, और एक वो एसिड होते हैं जिनको कहा जाता है हाइड्रो एसिड। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऑक्सी एसिड हम किसको कहते हैं और हाइड्रो एसिड हम किसको कहते हैं। ऑक्सी एसिड उन एसिड को कहा जाता है जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट जो है वो एक साथ प्रेजेंट हों, दोनों ही एलिमेंट एक साथ उपस्थित जिस एसिड के अंदर पाए जाएँ। और दूसरा हाइड्रो एसिड में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, और साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन किसी हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तो वो हमारे हाइड्रो एसिड थे। आज हम कुछ बेसिक से एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और साथ साथ हम नोट्स बनाएंगे कि मेनली आपसे पेपर में कौन कौन से एसिड के बारे में पूछा जाता है, उनके क्या क्या नाम हैं, उनके क्या यूज़ हैं, कहाँ हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए, आज की क्लास हमारी यहीं से शुरू होती है, और जिसमें सबसे पहला ही एसिड मैं आपके सामने लिखूँगा जिसका नाम है HCl, या जिसको कहते हैं हाइड्रो क्लोरिक एसिड। आई होप कि आप मेरे साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हिंदी में इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप कह सकते हो। सर कैसा एसिड होता है, क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसका नाम क्या है। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। दूसरा, इसी एसिड को दूसरे शब्दों में म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। भाई कौन से अम्ल को हम दूसरे शब्दों में, यानी कि इसी एसिड का दूसरा जो नाम है वो म्यूरेटिक अम्ल भी है, इसको म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये एसिड, जितने भी एसिड पाए जाते हैं केमिकल हमारे इस केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड साल्ट वाले टॉपिक में जितने भी केमिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, उन केमिकलों के अंदर से जितने भी एसिड हम पढ़ेंगे उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताया जाता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, यानी कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड केमिस्ट्री के अंदर कोई भी नहीं है, बात अगर करें हम HCl की। अच्छा, ये नाम आपने कहीं सुना सुना लगता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप ध्यान रखेंगे सर, इट इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे, यह मानव अमाशय में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है ना। हमारे खाने को डाइजेस्ट, हम पढ़ते हैं ना कि हमारे खाने के पाचन में कौन सी चीज़ जो है वो हेल्पफुल है, तो आप क्या बताएंगे कि HCl जो है वो हमारे खाने को पचाने में सहायक होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे खाने को पचाता नहीं है HCl, हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो खाने को जो डाइजेस्ट करते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने का काम भी HCl करता है। और दूसरी बात, आप ये याद रखेंगे कि कुछ हानिकारक जो माइक्रोबैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मारने का काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि मानव के अमाशय में पाया जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी इसको जानते हैं, इसका नाम HCl है। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके बारे में आपसे पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी कि
जितने भी हम बाथरूम क्लीनर बनाते हैं, कहाँ यूज होते हैं सर? तो ये जितने भी हम बाथरूम क्लीनर जो बनाते हैं, बाथरूम क्लीनर जितने भी हम बनाते हैं, उन सभी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे टॉयलेट के अंदर डालने का हार्पिक जो आता है, या बाथरूम साफ़ करने का हार्पिक जो आता है, एक नीला एक लाल, है ना? तो लाल वाला बाथरूम के लिए, नीला वाला टॉयलेट के लिए। तो जितने भी क्लीनर होते हैं, बाथरूम क्लीनर होते हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, उनको बनाने में हम किसका यूज करते हैं? उनको बनाने में यूज़ किया जाता है सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तीसरी बात, आपने गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस तो सुनी होगी, है ना? लोहे को जंग से बचाने के लिए, कि लोहे के ऊपर जंग ना लगे, इसके लिए हम उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं जिंक की। उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वनाइजेशन, या हिंदी में कहते हैं उसको गलवनीकरण। तो ध्यान रखना कि जब हम किसी लोहे के ऊपर, हम जब उस लोहे का गैल्वनाइजेशन करते हैं, या उसका जस्तीकरण जब करते हैं, तो जस्तीकरण करने से पहले लोहे को कौन से अम्ल में धोया जाता है? या आप यहाँ पे लिखेंगे, गैल्वनीकरण करने से पहले पहले धातु को HCl में धोया जाता है। HCl में धोया जाता है। एक ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए, यहाँ पे सिर्फ हम HCl का ही यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम H2SO4 का भी कई बार यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रहना चाहिए कि HCl का यूज हम किसी भी मेटल का, या लोहे को जब हम गैल्वनाइजेशन करते हैं, लोहे का जब गैल्वनीकरण करेंगे, या जिसका जिसको जस्तीकरण भी कहते हैं हिंदी के अंदर, वो जब करेंगे तो उससे पहले उसको किस में धोया जाता है? उससे पहले सर हम इसको HCl के अंदर धो लेते हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट, एक्वारेजिया बनाने में, भाई इसके ऊपर है ना कई तरीके के सवाल आते हैं। मैं आज आपको एक क्लियर बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाला था, कई सारे बच्चों का गलत आया था, एक्वारेजिया बनाने में, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारेजिया, ये एक्वारेजिया बनाने में काम आता है। एक्वारेजिया किसको कहते हैं, पहले तो ध्यान से सुनो। एक्वारेजिया को हिंदी में नाम दिया जाता है अम्ल राज। अब आधे बच्चे बेचारे यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, अम्ल राज क्या है? यहाँ पे दो प्रश्न बनेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, अम्ल राज क्या होता है, देखिए तो आपको बताना है कि एक्वारेजिया एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर दो एसिड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, लेकिन इनका रेशियो अलग है। 3 HCl और 1 HNO3 मिलाकर के आपस में, जब HCl के 3 और नाइट्रिक एसिड का जब 1 मोल, यानी कि इनका रेशियो जब 3:1 होता है, और इनको जब मिलाया जाता है आपस में, तो जो केमिकल कंपाउंड बनता है, जो एसिड बनता है, तो दो एसिड हो गए। दो एसिड को आपस में मिलाओगे तो एक्वारेजिया बनेगा। ये कोई प्योर एक एसिड नहीं है, ये दो एसिडों का एक कंपाउंड है। इसको मिक्सचर नहीं कह सकते, कंपाउंड है। क्यों नहीं कह सकते मिक्सचर? क्योंकि HCl और HNO3 जब 3:1 में मिलेंगे तभी एक्वारेजिया बनेगा, राइट? तभी एक्वारेजिया बनेगा। तो ये अम्ल जो राज है, ये दुनिया का सबसे स्ट्रोंग केमिकल है। इसके अंदर आप हर चीज़ को आप डिजोल्व कर सकते हो। आपने इसके अंदर कुछ भी डाल दिया तो उसको पिघाड़ देगा, उसको उसको गड़ा देगा, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके। एक्वारेजिया के अंदर क्या चीज़ नहीं घोली जा सकती? तो आप लिखेंगे, इसके अंदर डायमंड नहीं घोला जा सकता। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से इस धरती की सबसे कठोर चीज़ है, जिसको हीरा कहते हैं हम, जो एक कार्बन का आइसोटोप होता है, उसको छोड़ करके सारी की सारी चीज़ें एक्वारेजिया के अंदर घोड़ी जा सकती है। इवन प्लेटिनम तक हम इसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, घोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ डायमंड ही नहीं घोड़ सकते। तो 3 HCl प्लस 1 HNO3 इज इक्वल टू एक्वारेजिया। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अम्लों का राजा किसको कहते हैं, अम्लों का राजा, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। वो पूछेगा अम्लराज, बच्चे समझेंगे अम्लों का राजा, ऐसा नहीं होता। अगर अम्लों का राजा पूछे तो आंसर देना है, ये हम कहते हैं H2SO4 को, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को। ये सिंपल आंसर है।
अम्लों का राजा पूछे H2SO4 आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, लेकिन अम्ल राज पूछे तो यानी वो क्या पूछ रहा है, वो एक्वारेजिया पूछ रहा है। और एक्वारेजिया क्या है, 3HCl+1 HNO3 है, वो एक्वारेजिया का एक एग्जाम्पल होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एक्वारेजिया बनाने में हम दो एसिड का यूज करते हैं, एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, दूसरा हमारे पास नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। दोनों एसिड जब 3:1 में मिलाएंगे तो जो केमिकल हमारे पास तैयार होगा वो एक्वारेजिया होगा। सर दुनिया की सारी चीज़ें इसके अंदर डिजोल्व हो सकती हैं, दुनिया की सारी चीज़ें इसके अंदर घुड़ सकती हैं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके जिसका नाम है डायमंड। डायमंड को इसके अंदर नहीं घोड़ा जा सकता, डायमंड जो है वो किसी भी चीज़ में नहीं घुड़ सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति की सबसे कठोर चीज़ है जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक्वारेजिया बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे चमड़े की सफाई करने में, अगला HCl का ही यूज है चमड़े की सफाई करने में। जितने भी बड़े बड़े चमड़े के कारखाने होते हैं उनके अंदर चमड़े के ऊपर जो बाल होते हैं, आपने देखा होगा चमड़ा जो होता है उसके ऊपर बहुत बारीक बारीक से बाल होते हैं। चमड़े की सफाई यानी कि चमड़े के ऊपर से बालों को हटाने के लिए कौन से एसिड का यूज किया जाता है, तो आंसर होगा HCl का। और सबसे लास्ट अंतिम में आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, एक तो चमड़े की सफाई करने में और एक पीवीसी बनाने में ये बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं जिसको, पाइप भी बनते हैं प्लास्टिक, पीवीसी के पाइप भी आते हैं आपने देखे होंगे। तो पीवीसी बनाने में, चमड़े की सफाई करने में, इसको सर म्यूरेटरिक एसिड भी कहा जाता है, ये एक्वारेजिया बनाने में भी काम आता है, बाथरूम क्लीनर बनाने में काम लेंगे, और किस लोहे के ऊपर जब हम गैल्वनाइजेशन करते हैं, गैल्वनीकरण करते हैं, तो सर उससे पहले उसको किस में धोया जाता है, तो आंसर होगा सर उससे पहले हम उसको धोते हैं HCl के अंदर। तो आई होप कि HCl के बारे में इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दूसरे एसिड की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा जो एसिड है वो है H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। पहला प्रश्न इसके बारे में क्या बनेगा, ये सेकेंड एसिड है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक नंबर पे मैंने HCl पढ़ाया, दो नंबर के ऊपर मैं आपको H2SO4 पढ़ा रहा हूँ। देखिए H2SO4 किस टाइप का एसिड है, ये ऑक्सी एसिड है। क्यों? क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। HCl किस टाइप का एसिड था, ये सर एक हाइड्रो एसिड था क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर एक यानी कि हेलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा है और इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है। तो ये बातें भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी। पहला भी पॉइंट लिखेंगे, इसको कहते हैं सर किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा। कौन सा एसिड जो है वो रसायनों का राजा कहलाता है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे रसायनों का राजा, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो लिखेंगे कि किंग ऑफ केमिकल से के नाम से हम किसको जानते हैं। तो आंसर देना है आपको कि हम सर किंग ऑफ केमिकल कहते हैं H2SO4 को। दूसरा इसका यूज जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सर, इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ये काफ़ी बार पेपर में आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसका इस्तेमाल हिंदी में लिखेंगे इसका प्रयोग सीसा संचायक बैटरियों में भी किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी जो होती है, लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है उसके अंदर कौन सा एसिड डाला जाता है, तो आंसर देना है सर उसके अंदर हम H2SO4 डालते हैं। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो आपके घरों में गाड़ियां खड़ी हैं या आपकी जो बाइक्स चलती हैं, उनके अंदर जो बैटरी यूज होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, वो सीसा संचायक बैटरी होती है। और उनके अंदर जो हम डालते हैं उनके अंदर कौन सा एसिड जो है वो यूज होता है, तो आंसर देना है उनके अंदर हम H2SO4 का ही प्रयोग जो है वो करते हैं। अच्छा, इसको एक शब्दों में हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। कई बार पूछा जाता है कि कौन से एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, हिंदी में लिखेंगे कौन सा अम्ल कशिश का तेल कहलाता है, कौन सा अम्ल जो है वो कशिश का तेल कहलाता है, तो आंसर होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से हम जानते हैं सर H2SO4 को।
सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। अगला है, इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद बनाने में, खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला लिखेंगे, खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का मतलब जैसे यूरिया हो गया आपका, जो कृत्रिम तरीके से खाद तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक खाद तो वो है जो अपने खेतों से बनता है, जो पशुओं के गोबर से बनता है, जो केचुए के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन जो फैक्ट्रियों के अंदर खाद बनाया जाता है, जो फर्टिलाइज़र बनते हैं, जैसे DPA बनता है, DAP बनता है आपका, और जैसे आपका यूरिया बनता है, तो ये फर्टिलाइज़र है। इनको बनाने में हम H2SO4 का ही यूज़ करते हैं। एक इसको ध्यान रखेंगे, ये इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने वाले सिलेंडर में। पहले वाले समय में, आज की सिलेंडरों का जिक्र नहीं कर रहा मैं, पहले टाइम में फायर एक्सटिंगुइशर जो हुआ करते, आग बुझाने वाले सिलेंडर, सिलेंडरों में प्रयोग किया जाता था, में प्रयोग किया जाता था, जो फायर एक्सटिंगुइशर हुआ करते थे पहले पुराने समय के, उसके अंदर ये डाला जाता था सर, जिसका नाम था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये आग को बुझाने में बहुत ज़रूरी था। अब कई सारे लोगों के दिमाग में तो एक बात आ गई होगी कि यार हमने तो पढ़ा है कि आग को बुझाने में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं, यहाँ पे आपने लिखवा दिया कि उसके अंदर हम H2SO4 का भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में जो आग बुझाने के जो सिलेंडर हुआ करते, एक्सटिंगुइशिंग सिलेंडर जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो दो चीज़ें यूज़ होती थी। आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी चीज़ों में हम आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। उसके अंदर पहले देखो, पहले का जो सिलेंडर था वो कुछ ऐसा हुआ करता, ऐसा उसके अंदर दो चैम्बर हुआ करते थे, और मान लो ये अंदर से ऊपर से ऐसे बंद हो गया। इसके अंदर दो चैम्बर हैं, एक अंदर वाला चैम्बर, एक बाहर वाला चैम्बर। बाहर वाला जो चैम्बर था उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाता था, और अंदर वाला जो है इसके अंदर भरी जाती थी H2SO4। यानी कि बाहर वाला जो है इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और अंदर वाले चैम्बर के अंदर भरी जाती थी H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एक बेस है, जबकि H2SO4 एक एसिड है। तो ये दोनों जब इसके ऊपर जो वो बटन हुआ करता, इसको जब हम प्रेस करते थे, तो ये दोनों एक साथ बाहर आते थे, और जब दोनों एक साथ बाहर आएंगे तो एक दूसरे के साथ ये जब रिएक्शन करेंगे, तो इन दोनों की जब रिएक्शन होती थी तो यहाँ पे Na2SO4 प्लस CO2 और प्लस H2O ये बनते थे। Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट हो गया, एक साल्ट हो गया, सोडियम सल्फेट। ध्यान रखेंगे, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो पानी प्लस सोल्ट बनाते हैं। तो यहाँ से क्या बनती थी, यहाँ से CO2 गैस बनती थी, यहाँ से पानी भी बनता था। CO2 गैस ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देगी, जिससे कि आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये पुराने फायर एक्सटेंसरों की मैं बात कर रहा हूँ, हाल ही की नहीं, पुराने समय के अंदर जो आग बुझाने के सिलेंडर हुआ करते, उनके अंदर हम यूज़ करते थे किसका भाई, उसके अंदर यूज़ करते थे सर हम H2SO4 का। इसको ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या कहा, उसमें दो चैम्बर थे। बाहर वाले चैम्बर में हम NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो भरते थे, और अंदर वाले के अंदर H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। और जब इसके ऊपर से हैंडल को प्रेस करेंगे तो दोनों चीज़ें जब एक साथ बाहर निकलेंगी तो इन दोनों में रिएक्शन होगा। जब एक बेस और एक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सोल्ट बनता है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, जो एक साल्ट है, प्लस पानी बनना है, प्लस CO2 गैस बनेगी। तो CO2 गैस भी बन रही है, प्लस पानी भी बन रहा है, मतलब दोनों चीज़ें आग को बुझाने के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए पुराने समय के जो फायर एक्सटेंसर थे उनके अंदर सर हम यूज़ करते थे किसका, देखेंगे आग बुझाने वाले सिलेंडर में खाद बनाने में का इस्तेमाल होता है। इसको किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल H2SO4 का, वैसे बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, आगे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम इसको इसके बारे में बताते चलेंगे। आइए तीसरे एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तीसरे एसिड का नाम है HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसको लिखते हैं हम नाइट्रिक एसिड, तीन नंबर के ऊपर। दो एसिड इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, HCl हमने पढ़ लिया, H2SO4 हमने पढ़ लिया, तीसरा है HNO3। और मेरी उम्मीद के अनुसार आप लोगों के हाथ में कलम और एक कॉपी ज़रूर होगी, जिससे कि आप साथ साथ इसको नोट भी कर रहे होंगे। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, देखिए इसमें तीन एलिमेंट हैं, एक इसमें हाइड्रोजन है, एक इसमें नाइट्रोजन है, एक इसके अंदर ऑक्सीजन है।
तीनों के तीनों एक्सप्लोसिव एलिमेंट होते हैं, तीनों के तीनों ये जो एलिमेंट हैं ये विस्फोटक एलिमेंट हैं। इसलिए पहला यूज आप इसका लिखेंगे कि विस्फोटक पदार्थों को बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज होता है किस चीज़ का, तो आंसर लिखेंगे आप उसके अंदर हम HNO3 का ही यूज़ करते हैं। पहले वाले समय में जब एक्सप्लोसिव एलिमेंट बनते थे, जैसे TNT बनता था, ट्राइनाइट्रोटोलविन, या जैसे RDX बनता था, तो TNT या RDX को बनाने में पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता था। TNT विस्फोटक पदार्थों के एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ मैं, जैसे TNT है, इसको लिखते हैं ट्राई नाइट्रो टोल्यून या टोलविन भी लिख देते हैं कई बार, जैसी तुम्हारी इच्छा करे वैसे पढ़ा लो। अब ये TNT जो है ना, इस TNT का रासायनिक फॉर्मूला होता है C7H5N3O6। इसको ध्यान से देखिए, C7H5N3O6 C7H5N3O6 ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है। अब TNT के अंदर देखो हाइड्रोजन भी है, TNT के अंदर नाइट्रोजन भी है, TNT के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो इन तीनों को अलग अलग यूज करने की बजाय इससे अच्छा है कि हम कार्बन के साथ कौन से एसिड का यूज कर लें, नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे, तो इसके अंदर भी तीनों एलिमेंट हैं, तो ऑटोमेटिक ही हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कमी इसके अंदर पूरी हो जाएगी। तो TNT के बारे में आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि एक्सप्लोसिव एलिमेंट है TNT, जिसको बनाने में हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। कई बार पेपर में आपसे TNT की खोज पूछ ली जाती है कि कौन से साइंटिस्ट के द्वारा TNT खोजी गई थी, तो आंसर ध्यान रखना है इसकी खोज इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर देना है जोसेफ विलब्रांड ने 1863 ईस्वी के अंदर सबसे पहले इस एक्सप्लोसिव एलिमेंट की खोज करी थी, जिस एक्सप्लोसिव एलिमेंट का नाम था TNT ट्राइनाइट्रोटोलविन, एक विस्फोटक पदार्थ है। अब मैं बात करूं आपके सामने RDX की, अगर मैं RDX की बात करता हूं तो RDX भी एक विस्फोटक एलिमेंट ही है। सबसे पहले तो आपको RDX की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, तो इसको लिखते हैं रिसर्च डेवलप्ड एंड एक्सप्लोसिव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, रिसर्च डेवलप्ड एंड एक्सप्लोसिव इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C3H6, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C3H6N6O6। तो इसमें भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों की जरूरत पड़ती है, तो इनकी आपूर्ति के लिए, इनकी मात्रा को सफिशियंट करने के लिए, पूरा करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड का। ये भी पूछ लिया जाता है भाई, इसका भी ध्यान रखना कई बार। इसकी खोज जो है वो एक साइंटिस्ट ने करी थी जिसका नाम था हैंस हैनिंग। RDX की जो खोज है वो हैंस हैनिंग नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, और सबसे पहले एक सफ़ेद दानेदार पाउडर के रूप में पाउडर सा बनाया गया था, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ है। हैंस हैनिंग ने इसकी खोज करी, और इसका जो केमिकल नेम है वो भी पूछ लिया जाता है। इसको केमिकल भाषा में साइक्लोट्राइनाइट्रोमिथाइल, इसका केमिकल नेम आप लिखेंगे साइक्लोट्राइनाइट्रोमिथाइल ट्राइनाइट्रोअमाइन बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये केमिकल नेम होता है RDX का। बाकी RDX के बारे में ऐसा है प्यारे दोस्तों कि RDX के बारे में एक सवाल और भी पूछा जाता है, इसको अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से हम जानते हैं। किसी देश में RDX को किस नाम से जाना जाता है, तो किसी दूसरे देश में RDX को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगला जो हमारा एसिड है, हाँ एक बात और भी याद रखना नाइट्रिक एसिड के बारे में, नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड भी है जो एसिड रेन में भी पाया जाता है। आपने एसिड रेन के बारे में बहुत काफ़ी बार सुना होगा, इट इज़ फाउंड इन, ये भी लिख सकते हो, यह पाया जाता है इन एसिड रेन, ये एसिड रेन के अंदर भी पाया जाता है, जो अम्लीय वर्षा होती है जिसकी pH वैल्यू less than 5.6,
जिस बारिश की के पानी की पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है वो एसिडिक रेन में आती है, वो एसिड रेन में आ जाती है। तो एसिड रेन के अंदर भी ये पाया जाता है, क्योंकि जब ऊपर से पानी बरसेगा ना H2O, और जब हमारे एनवायरनमेंट में NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो पानी की बूंदें NO2 के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड बना लेती है, HNO3 बना लेती है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एसिड रेन के अंदर दूसरा एसिड जो पाया जाता है H2SO4 पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर NO2 की बजाय SO2 की मात्रा ज़्यादा हुई तो यही पानी की बूंदें SO2 के साथ मिलकर H2SO4 बना लेती है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एसिडिक रेन में पाए जाते हैं। सर, एसिडिक रेन कौन सी होती है जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो? अगला लिखेंगे बेंजोइक एसिड, चार नंबर के ऊपर लिखेंगे बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H5। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C6H5COOH। इट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला होता है। इसको रासायनिक नाम से हम C6H5COOH के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको बेंजोइक एसिड नाम दिया जाता है। दूसरा, ये कहाँ यूज होता है सर? तो ध्यान रखना, ये जितने भी फ्रूट पैकेट आते हैं, इट इज़ यूज इन फ्रूट पैकेट। जितने भी फलों के पैकेट आते हैं, फ्रूट पैकेट आते हैं, उनके अंदर हम बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं। एक आप याद रखना, जितनी भी ये सॉस की बोतल आती हैं, सॉस बोतल, किसान कैचर, जितने भी बोतल आती है ना सॉस की, चाहे वो टमाटर का सॉस हो, चाहे वो किसी और चीज़ का सॉस हो, उनको पैक करने में, यानी कि सर ये उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है जो खाने की होती है और जिनको लंबे समय तक आपको स्टोरेज करना है। यानी कि अब टमाटर का सॉस है वो पैक हो रहा है, वो किसी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ बना, अब ये तो नहीं पता कि कस्टमर तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो जो चीज़ें खाने की है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ, खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए, उनको प्रिजर्व रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन से एसिड का? हम बेंजोइक एसिड का यूज़ कर सकते हैं सर। ठीक है, अच्छा एक बात और भी याद रखना, इस बेंजोइक एसिड का यूज एक जगह और भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन। ये दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल होता है भाई। इट इज़ यूज्ड, ये प्रयोग किया जाता है इन मेकिंग मेडिसिन। दवाइयाँ बनाने में भी हम इस एसिड का जो यूज है वो करते हैं। तो आई थिंक कि आज के लिए आपको ये चार एसिड है, इन्हीं के बारे में याद करना है, इन्हीं को लिखना है, इन्हीं को नोट करना है। और इनमें अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे पास ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट जो है वो उसी वक्त क्लियर कर दिया जाएगा। एसिड बेस और साल्ट के ऊपर 2-3 वीडियो और रहेंगी, उसके अंदर मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री के अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा आनंद इसके अंदर आ रहा होगा, आप इसको अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और घर में होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका परिवार भी अच्छे तरीके से सुरक्षित होगा। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है कि आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, जब तक इस कोरोना वैश्विक महामारी को नहीं हराया जाता, जब तक हिंदुस्तान में से इसको जड़ से हम ख़त्म नहीं कर देते, तब तक आपका घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।